बहुत ही कम तेल मसालों में फटाफट बनने वाला आज हम इतना हेल्दी टेस्टी ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे आप सर्दियों में मिनटों में बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कच्चे मटर। कच्चे मटर को मैंने धो लिया है और अब मिक्सी के जार में डाल दें। साथ ही में डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच धनिया पत्ती, 2 से 3 कली लहसुन का, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक। मटर अच्छे से पीस जाए इसलिए साथ में 1/4 कप यानी 3 से 4 चम्मच पानी डाल दें और साथ में डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा पीस ले। मटर को पीस लिया है और अब इसी टाइम डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मटर के साथ कुछ सेकंड के लिए सूजी को पीस लीजिएगा ना, तो नाश्ता फटाफट बन जाएगा। और साथ में डाल दीजिए 2 चम्मच दही। दही बहुत खट्टी ना ले, अगर दही आप नहीं डालना चाहते तो दही के बदले 1 टेबलस्पून नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा और हम पानी डालते हैं यानी आधा कप पानी डाल दें और कुछ सेकंड के लिए पीस लें। तो लीजिए सूजी मटर को पीस के बारीक कर लिया है और अब इस पेस्ट को एक बोल में डाल दीजिए। बैटर को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और जब फूलेगी ना तो मिक्स हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। 5 मिनट हो चुका है और थोड़ा सा बैटर गाढ़ा भी हो गया है। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच कसा हुआ गाजर। ग्रेटर के बड़े वाले छेद से कस लिया है और अब डाल दीजिए 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। दोस्तों आप चाहें तो लहसुन प्याज को स्किप कर सकते हैं। और अब हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो स्वाद अनुसार नमक। सभी चीजों को मिला लें और दूसरे मसाले हम नहीं डालेंगे। आप चाहे तो गरम मसाले को भी स्किप कर सकते हैं और मिर्ची अपने इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फटाफट ब्रेकफास्ट में या बच्चों को टिफिन बॉक्स में दीजिए। बहुत ही हेल्दी टेस्टी है, नाश्ता खत्म करके आएंगे। और आप चाहे तो बैटर बना के रात में भी रख सकते हैं। तो टोटल इस रेसिपी में मैंने 200 ml यानी 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। जब सारी तैयारी हो जाएगी तब आपकी इच्छा हो तो आखिर में डालें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा या फिर 1/2 टीस्पून इनो, दोनों में से कोई एक चीज डालें। और इनो और सोडा डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। हल्का सा सोडा या इनो डाल देने से नाश्ता फ्लफी बनता है यानी हल्का फुल्का बनता है और फुला फुला बनता है। आप चाहें तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, तब भी नाश्ता सॉफ्ट बनेगा। हल्के हाथों से हम मिला लेंगे और अब हम बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है, आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो गया है, थोड़ा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं। और अब आपकी इच्छा हो तो 2 से 3 चुटकी सफेद तिल स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अब फ्लेम को कम कर दीजिए और धीमी आंच पे डाल दीजिए 1 कलछी बैटर। तो चिल्ले की तरह नहीं फैलाइएगा, थोड़ा सा हम मोटा ही बनाएंगे। और अब गोल आकार आ जाए इसलिए स्पैचुला से किनारों से धक्का दे दे यानी गोल कर ले। और अब धीमी आंच पे हम ढकते हुए 3 मिनट के लिए पका लेंगे। धीमी आंच पे पकाते हुए 3 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं ऊपर से बैटर पूरी तरीके से ड्राई है। तो जब सूख जाए ना तभी आपको पलटी करना है। तो पहले किनारे से हम अलग कर लेंगे और अब हम धीरे से उलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से रोस्ट हुए हैं। सूजी से बनाए हैं तो गर्मा गर्म क्रिस्पी भी लगेंगे। अब आपको बिल्कुल भी ढकने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से 3 मिनट के लिए और हम पका लेते हैं ताकि सूजी मटर अच्छे से पक जाए। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी सिक चुका है और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। जितना मात्रा हमने लिया उतने में आपके 4 मटर के स्वादिष्ट हेल्दी नाश्ते बनके तैयार हो जाएंगे, जिसे आप सुबह शाम की भूख में भी सर्व कर सकते हैं। और इसे खाने के बाद कोई भी बाजार का नाश्ता खाने का मन नहीं करेगा। तो दोस्तों बिना सोचे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट है, ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। छोटे बच्चे भी बड़े ही प्रेम से खाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप दही के बदले नींबू का रस डाल सकते हैं और सोडे को स्किप कर सकते हैं। तो टमाटर की चटनी या धनिया की चटनी के साथ एंजॉय करें।
वैसे तो धनिया टमाटर सालों भर मिलते हैं, लेकिन अभी धनिया टमाटर का सीजन आ गया है और बहुत ही बढ़िया सस्ता गुड क्वालिटी का धनिया टमाटर मिलने लगा है। तो ऐसे में धनिया टमाटर की स्पेशल झटपट बनने वाली चटनी तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को हमें इस प्रकार से तोड़ लेना है। तो थोड़ा सा मैंने डंठल का भी इस्तेमाल किया है और थोड़े मैं हटा रही हूँ। इस प्रकार से तोड़ लीजिए। और साथ ही में हमें चाहिए 2 लाल पके टमाटर, ग्राम्स में देखें तो 100 ग्राम। तो हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। धनिया पत्ती को रफली काट लिया है और अच्छे से धो लिया है। तो चटनी बनाने के लिए बड़े जार का इस्तेमाल कीजिए। इसमें डाल दीजिए कटे हुए 2 लाल टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्च, मिर्च आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 6 से 7 लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा, या फिर आप चाहे दोस्तों तो एक छोटा सा प्याज भी काट के डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच नींबू का रस, आप नींबू के रस के बदले अमचूर पाउडर भी चटपटा स्वाद के लिए डाल सकते हैं। धनिया पत्ती हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे, कुछ सेकंड के लिए पीस लें। तो देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पीस चुके हैं। तो हमने टमाटर को पहले इसलिए पीस लिया ताकि टमाटर का जूस निकल जाए और ऊपर से हमें धनिया पीसने में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। तो अब हम ऊपर से धनिया पत्ती डाल देते हैं और अब हम बहुत बारीक धनिया पत्ती को नहीं पीसेंगे, पल्स मोड पे हम पीसेंगे, यानी कि मिक्सी को चलाते बंद करते हुए। तो लीजिए कुछ सेकंड के लिए पीस लिया है और हमें हल्का सा दरदरा ही पीसना है। तो लीजिए टमाटर धनिया पत्ती की चटनी पीस के तैयार है और हमने जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। और अब हम बोल में निकाल लेते हैं। कितना बढ़िया टेक्सचर आया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो चटनी में काला नमक भी डाल सकते हैं और इसी प्रकार चावल, दाल, रोटी, पराठे कैसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में डालिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। तो आप जो भी तेल खाते हैं, ऑलिव ऑयल, मूंगफली का तेल या सरसों तेल, कुछ भी ले सकते हैं। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा। अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, फ्लेम बंद कर दें, 8 से 10 करी पत्ता। चूल्हे से उतारने के बाद ऊपर से आप 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो मिर्ची बहुत तेजी से जलता है इसलिए गैस से उतारने के बाद डालिए और इस तरीके से मिला लें। जैसे मिलाए तुरंत तड़के को डाल दें चटनी पर। बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है, मिक्स कर लीजिए। तो थोड़ा सा तड़का लगा देने से स्वाद ही बदल जाता है। धनिया पत्ती की चटनी हर घर में पसंद की जाती है और हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरीके से बनाइए, ज़रूर आपको कुछ अलग लगेगा। तो आप इसे फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं, हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। इतनी टेस्टी हेल्दी ये चटनी है, तो एक बार बनाना तो बनता है। इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।